हैं वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस, वही 110 किलोमीटर के आसपास है। तो फ्री में कुछ काम मत करना, यहाँ पर भी पैसा डालना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो रही है, हमें इसीलिए ये कहावत है, इनकी सुविधा नहीं ना इधर, इसीलिए ये बोलते हैं कि हर दिन बार बार गंगा सागर एक बार, कोई अगली बार नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। इस वक्त मैं हूँ कलकत्ता में, अभी हम लोग जा रहे हैं आज गंगा सागर, जो कि यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। वीडियो में बने रहिए, पूरा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एस्प्लेनेड से गंगा सागर जा सकते हैं और क्या किराया है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप मेरे साथ पूरा गंगा सागर एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्चुअली, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी पहुंचे हुए हैं एस्प्लेनेड बस स्टॉप। बस स्टॉप देख सकते हैं कितना यहाँ पर भीड़ है। पीछे आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस, जो कि हमें काकद्वीप तक छोड़ेगी। तो इस बस का जो किराया है वो 850 रुपीज़ पड़ा हम लोगों को 5% के हिसाब से, और ये फुल्ली एसी बस है तो काफ़ी सही है। अभी टाइम हो रहा वही 7:40 के आसपास, और ये बस छूटेगी वही 8 बजे और हमें पहुँचा देगी वही 11:30-12 बजे के आसपास गंगा सागर। तो ये हमारी बस हमें काकद्वीप तक लेके जाएगी, उसके बाद हम लोग लॉट नंबर 8 से फेरी लेंगे और काकद्वीप आइलैंड तक पहुंचेंगे, फिर वहां से हम लोग सिटी बस लेके गंगा सागर तक जाएंगे। टोटल डिस्टेंस वही 110 किलोमीटर के आसपास है, तो हम लोग को लगभग 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं इस बस में। काकद्वीप पहुंच चुके हैं हम लोग, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे फॉरवर्ड पॉइंट, वहाँ से फिर लॉट नंबर एट से फिर फेरी लेंगे गंगा सागर के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं हार्बर पॉइंट और यहां से लेंगे जेट्टी और आगे जाएंगे सागर आइलैंड के लिए, जहां पर गंगा सागर है। लगभग 25 किलोमीटर दूर होगा उस साइड, तो अभी पहले फेरी लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आते आते, क्योंकि 8 बजे के आसपास हम लोग निकले थे एस्प्लेनेड बस स्टॉप कलकत्ता से, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम लोग को 11:30 बज गया, लगभग हम लोग को 3.5 घंटा लग गया। अभी यहाँ से हम लोग को 10 से 15 मिनट लगेगा
गंगा सागर द्वीप के लिए, फिर वहाँ से हम लोग को 25 किलोमीटर है, तो लगभग वहाँ पर आधा घंटा और लग जाएगा। तो देखते हैं कब पहुँचते हैं और कब वापस आते हैं, क्योंकि आज हम लोग को वापस फिर कलकत्ता भी जाना है, क्योंकि वहीं पर आज का स्टे है। फेरी निकल चुकी है प्लॉट नंबर 8 से, हार्बर पॉइंट से, और अभी जा रही है सागर द्वीप। वो सामने आप देख रहे हैं वही है सागर द्वीप, और इस फेरी का किराया है एक पर्सन का 9 रुपये, सिर्फ 9 रुपये में आप हार्बर पॉइंट से सागर द्वीप तक पहुंच सकते हैं। हार्बर पॉइंट से गंगा सागर द्वीप तक जाने के लिए लगभग आधे घंटे का समय लगता है इस बोट पर, और ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड बोट है, जिसके वजह से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। फिर 9 रुपीज़ में ये हम लोग को हार्बर पॉइंट से गंगा सागर द्वीप तक पहुंचा देती है। बोट पहुंच चुकी है सागर द्वीप। आधे घंटे की फेरी जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सागर द्वीप। यहाँ से लेंगे सिटी बस और जाएंगे गंगा सागर। सागर द्वीप में, और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कपिल मुनि आश्रम है, और यहाँ पीछे साइड थोड़ा बहुत मार्केट है, और अभी जा रहे हैं हम लोग गंगा सागर देखने। अभी हम लोग गंगा सागर तट पर आ गए हैं, पानी के एक बोतल लिए हुए हैं, पानी भरेंगे इसको, घर ले जाएंगे पानी भर के। और यहाँ पूरा शॉप देख सकते हो आप चारों साइड, शंख वगैरह अगर आपको लेना तो मिल जाएगा। तो भाई गंगा सागर में आए और बिना नहाए जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग समुद्र के बीच में हैं और खूब एंजॉय करने वाले हैं। देखो कहीं क्या, फ्री में कुछ काम मत करना, यहाँ पर भी पैसा डालना पड़ता है। मंदिर परिसर के अंदर एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दुकान। आश्रम के लिए जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव भगवान की एक विशाल मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, जो तांडव करते हुए शिव भगवान की मूर्ति की तरह है, और काफ़ी मनमोहनीय है, बोले तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ एक ऋषि मुनि की भी एक मूर्ति बनाई गई है। अभी चलते हैं सीधा आश्रम के अंदर और आपको दिखाते हैं आश्रम के अंदर का व्यू। पानी थोड़ा प्यास लग रहा है, इधर पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना भी आप कोस्टल एरिया में आते हैं तो आप साथ में पानी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी उतना सही नहीं रहता है, और वाटर बॉटल्स थोड़े से महंगे रहते हैं बाहर के मुकाबले। आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रसिद्ध कपिल मुनि आश्रम, ये आपका गंगा सागर का प्रसिद्ध टेंपल है, तो गंगा सागर में नहाने के बाद आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, मस्त दर्शन करें उसके बाद ही। हर मंदिर की तरह इस मंदिर में भी सेम रूल है, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का तो नहीं दिखा सकता, आपको खुद आना पड़ेगा। और ये इसके जस्ट सामने देख सकते हैं शिव भगवान की एक मूर्ति है, और ये है पूरा मंदिर। मैंने गाय को ये जो क्या दिया, इलायची देना को,
सफेद वाला इलायची दाना, सफेद वाला इलायची दाना दिया गाय को, गाय को खाने के लिए। फिर? और कुछ? गाय को प्रणाम किया। गंगा सागर पूरा घूमने के बाद अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं फेरी घाट में, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 5 बजे के आसपास, और अभी कोई फेरी नहीं है, 7 बजे फेरी मिलेगा, तब तक हम लोग 2 घंटा यहीं वेट करेंगे। और आज कलकत्ता जाते जाते हो जाएगा 12-1 रात हो जाएगा आज। अगर आप कलकत्ता से गंगा सागर आने का प्लान बना रहे हैं तो आप एक बार इस बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि आपको कलकत्ता में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप कलकत्ता भी घूम सकते हैं, क्योंकि कलकत्ता घूमने में भी आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये गंगा सागर फेरी, जो जहाँ से फेरी हम लोग लेते हैं, ये वो जगह है। और इसके जस्ट पीछे सब गाड़ी वगैरह है, जहाँ से आप चाहो तो गाड़ी बुक कर सकते हो, पूरे लाइन से है। अगर आपको गाड़ी बुक नहीं करना है तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, 1 किलोमीटर आगे, तो आपको बस मिल जाएगा जो 40 रुपीज़ में आपको गंगा सागर पहुँचा देगा। और अगर आप गाड़ी बुक करते हैं तो आपको 600 या 700 रुपीज़ में वो राउंड ट्रिप में आपको ले जा के फिर वापस भी ले आएंगे। और अगर आप अकेले हैं तो आप किसी शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हैं, जिसमें 50 रुपीज़ में वो आपको छोड़ देगा वहाँ पर, और वहाँ से आप वापस आ सकते हैं 50 रुपीज़ में। देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये खास हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उतना खास नहीं होगा। क्योंकि अभी आप पूरा वीडियो देख ली होंगी कि क्या क्या चीज़ है यहाँ देखने लायक और क्या कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन मैं बताऊँ कि एक दिन पूरा यहाँ पर चले जाता है, आप उस एक दिन को कलकत्ता में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, नहीं तो पहले कलकत्ता को एक्सप्लोर करिए, उसके बाद टाइम बचे तो यहाँ पर ज़रूर आए। तो देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर शाम होना स्टार्ट हो गया है। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे, इसका मतलब कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कलकत्ता को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम लोग हावड़ा ब्रिज, दक्षिण कालेश्वर मंदिर और विक्टोरिया पैलेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, 7:30 बजे की फेरी है, अभी 6:15 हो रहा है, वेट करते हैं तब तक कलकत्ता कैसे पहुँचेंगे देखते हैं। देख सकते हैं कि वो एक बार भी नहीं आएंगे। 3 बजे के बाद फेरी बंद हो गया था, 3:30 बजे के बाद, उसके बाद 8:30 बजे फेरी यहाँ से मतलब मेन लैंड के लिए रवाना होगा। देख सकते हैं कितना भीड़ हो गया। टिकट काउंटर में भी काफ़ी भीड़ था, 2 घंटे लाइन लगने के बाद हम लोग को टिकट मिला है। इसीलिए डायलॉग होता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, हमें 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं, 4 बजे से हम खड़े हैं यहाँ पे, 4 घंटे से खड़े, सभी लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये छोटे बच्चे देखो इतने छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ आते हैं। अरे इनको थोड़ा साइड पे, हम लोग सुबह से 12 बजे से खड़े हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, गंगा सागर आए हुए। ऐसे में कैसे आएंगे लोग गंगा सागर, आप बताइए। 11 बजे से बंद कैसे आएंगे लोग यहाँ पर? हम लोग राजस्थान से आए, बीकानेर से, कोई सुविधा नहीं है, महाराष्ट्र से आए कोई सुविधा नहीं है, देश के सब कोने से लोग आए हैं, सभी को प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रेन छूट गई, हाँ हमारे भी प्लेन मिस हो गए, सबके ट्रेन प्लेन मिस हो जा रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई शेड्यूल नहीं है, अपने हिसाब से ये लोग सस्पेंड कर दे रहे हैं, जब मन किया चला रहे हैं। तो ये सब क्वेरी को ध्यान में रखा जाए। गंगा सागर पहुँचे तब से यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बुरी हालत है लोगों की,
ट्रैवलिंग के लिए भी कोई अच्छा से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट गवर्नमेंट का चाहिए उतना भी पैसा लेते हैं, जो उनको मन में आता है, मनमर्जी किराया है, मनमानी चल रही है। और इतना गलीचा है यहाँ पे, गंदा बहुत गंदा, बहुत गंदा, खाने का मन ही नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता, ना खाना सही है ना ट्रांसपोर्ट सही है। स्वच्छता बनाई रखना चाहिए तभी पर्यटक आएंगे यहाँ पे। और ये जो आपने बोट डिपार्चर करने का टाइमिंग रखा है वो बहुत ही ऑड है, बूढ़े बच्चे बहुत परेशान हैं, 4 बजे से लेकर 3 बजे वही चुटाने का टाइम है, मेडिसिन का टाइम है, वो लोग क्या करेंगे, सभी परेशान है यहाँ पे, सब लाइन पे लगे हुए बताइए। हमारा महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, हम महाराष्ट्र से आए हैं। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी, सब महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, काफी जगह से सब लोग आए हुए हैं, सब फंस गए हैं यहाँ नहीं है, रिक्षाचे दर वाटाचे लावलेले आहेत, वेळेत रिक्षा नाही आहेत, गव्हर्नमेंटच्या कुठल्या बसेस नाही आहेत, कुठला वेळापत्रक नाही आहे, बोट वेळेवर येते वेळेवर जाते पण मधल्या वेळेत 4-5 तास बंद असल्यामुळे लोकांचे हाल होतात, त्याच्यानंतर इथं थांबण्यासाठी सुद्धा चांगली सुविधा नाही आहे, व्यवस्था नाही, जेवढी आहे त्याच्यात गर्दी रश होते त्यामुळे लोकांचे हाल होतात, चिंगा चिंगरी होऊ शकते। मतलब रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि यहाँ पर सुविधा बढ़ाया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग आ सके, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग आते हैं तो सुविधा तो होना ही चाहिए ना, अब ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो पैसे ले लो मगर सुविधा दे दो, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो कोई कैसे रिकमेंड करेगा यहाँ आने के लिए लोगों को। आप सही बोल रहे हैं, इसीलिए ये कहावत है, इनकी सुविधा नहीं इधर, इसीलिए बोलते हैं कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, कोई अगली बार नहीं आएगा, अगली बार नहीं आएगा क्योंकि सुविधा ही नहीं है। फाइनली 2 घंटे के वेटिंग के बाद अभी जाने के लिए एंट्री हो रहा है, तो देख सकते हैं कितना भीड़ है। अरे बच्चे का, अरे भाई आराम से आराम से, इतना धक्का मुक्की हो रहा है यहाँ पर बोट में जाने के लिए। देख सकते हैं अभी भी लोग जाने के लिए लगे हुए हैं, हो सकता है ये यहाँ के रेसिडेंट होंगे या फिर जो रात को जाके वहाँ स्टे करने वाले हैं, उन लोगों की भीड़ है क्योंकि 4 बजे के बाद इधर से भी फेरी नहीं गई थी, काफ़ी भीड़ हो गया, पूरा बाहर तक भीड़ हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है 10:20 और अभी हम लोग हैं काकदीप पर, ट्रेन हमारी जल्दी निकल गई थी जिसके वजह से हम लोग जा नहीं पाए और लेट हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ से लक्ष्मीचंदपुर जाएंगे, फिर वहाँ से हमारी ट्रेन अनाउंसमेंट हो गया। जब भी आप गंगा सागर आएँ तो अच्छे से एकदम प्लान बना के आए, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा की वजह से पानी जो होता है ऊपर नीचे होते रहता है, तो जिसकी वजह से आप गंगा सागर वाले द्वीप में फंस सकते हैं जैसे अभी हम लोग फंस गए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें जब भी आप गंगा सागर आते हैं।